बिहार की राजनीति में वो नाम जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं वो हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव के इस वक्त सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, शायद यही वजह है कि एक बार फिर से उन्हें सजा हो गई है। लेकिन जब एक ही कोर्ट में जब उन्हें 4 बार सजा मिली तो लालू यादव के हाव भाव कैसे थे, वहाँ किस तरीके से लालू यादव जज का फैसला सुनते रहे। 2 घंटे 40 मिनट करीब रूम में बैठे लालू की पूरी कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। लालू यादव के लिए सीबीआई कोर्ट का वह कक्ष दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ, जहां पहले भी उन्हें जेल जाने की सजा सुनाई गई थी। इसी कोर्ट कक्ष में लालू प्रसाद को 4 मामलों में सजा सुनाई गई। 15 फरवरी को लालू यादव ठीक 11:20 पर कोर्ट कक्ष में पहुंचे। इस दौरान कोर्ट में सभी अभियुक्तों की हाजिरी ली गई। जो अभियुक्त कोर्ट में नहीं पहुंचे थे उनके अधिवक्ताओं को तत्काल उन्हें कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया। अदालत ने कहा कि चारों अभियुक्त किसी भी परिस्थिति में हो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। इसके बाद अदालत ने 11:43 से फैसला सुनाना शुरू किया। इस दौरान लालू 2 घंटे 40 मिनट तक कोर्ट रूम में ही बैठे रहे। लालू प्रसाद अपने बोलने की विशिष्ट शैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन चारा घोटाले के अंतिम मामले में उन्होंने कोर्ट कक्ष में कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ जज को सजा सुनाते हुए देखते और सुनते रहे। इसके पहले 4 अन्य मामलों में लालू प्रसाद यादव ने सजा सुनाए जाने के दौरान अदालत में कुछ न कुछ जरूर कहा था। इससे पहले अदालत में पहुंचते ही लालू प्रसाद ने अपने अधिवक्ता प्रभात कुमार को पुकारा। इसके बाद वो कोर्ट कक्ष की तीसरी टेबल पर बैठ गए। उनके बगल में डॉक्टर आर के राणा बैठे हुए थे। सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को करीब 11:47 पर दोषी करार दिया। इसके बाद वो अदालत में खामोशी से बैठे रहे। इस दौरान उनकी ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार देवशीष मंडल ने उनके स्वास्थ्य के आधार पर रिम्स भेजे जाने का आवेदन दिया। इस मामले में अदालत ने 2 बजे अपना आदेश पारित किया। तब तक लालू प्रसाद कोर्ट कक्ष में ही बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने मोबाइल पर कुछ लोगों से बात भी की। लालू 311 दिन बाद जेल भेजे जा रहे थे। डोरंडा कोषागार मामले में दोषी करार होने पर लालू यादव करीब करीब 311 दिनों के बाद फिर से जेल पहुंच गए। लालू प्रसाद को अंतिम बार चाईबासा कोषागार मामले में 17 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। उस दौरान लालू प्रसाद यादव एम्स में अपना इलाज करा रहे थे। वहां से 30 अप्रैल को लालू यादव न्यायिक हिरासत से जमानत पर रिहा हुए। लालू यादव पहली बार जब उनको सजा सुनाई जा रही थी तो कोर्ट में 2 घंटे 40 मिनट की ज्यादा वक्त तक रहने के बावजूद भी बिल्कुल खामोश। इसके पहले के 4 अन्य मामलों में जब उन्हें सजा सुनाई गई उस मामले पर जब भी उनके खिलाफ फैसला हो रहा होता वो जज से कुछ ना कुछ जरूर कहते, लेकिन ये पहली बार था कि लालू यादव चुप नजर आए। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।